अभी तक हम ये ऑप्शंस कॉम्बो बॉक्स को हम वैल्यूज असाइन कर चुके हैं। ये तीनों कमांड्स को हम सबमिट, रिसेट और एग्जिट को भी एक्टिवेट कर चुके हैं। अभी हम ये जो रिसेंट जो लास्ट चार बचे हैं अभी राइट साइड के, अभी हम इनको एक्टिव करेंगे। तो सबसे पहले भी हम सर्च को करेंगे। तो सर्च पर हम एक्टिवेट करने के लिए हम सबसे पहले इस पर डबल क्लिक करेंगे। तो ये हमारी अभी जो स्क्रिप्ट विंडो है जहाँ पर कोडिंग करनी है ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हम कुछ यहाँ पर स्क्रिप्ट हम ऐड करने वाले हैं। सो यहाँ पर हम डिम फंक्शन यूज करेंगे। डिम यहाँ पर हम एक्स को यूज करेंगे, एक्स एज लॉन्ग, और हम वाई को भी यहाँ पर ले लेंगे, डिम वाई एज लॉन्ग। ओके, फिर हम यहाँ पर एक्स को असाइन कर देंगे। इसको हम असाइन करेंगे सीट्स। अभी हमारी सीट्स कौन सी है? सीट्स हमारी है, हम इन्वर्टेड कॉमा में सीट का नाम डाल देंगे, स्टूडेंट डेटा, ये हमारी सीट का नाम है। इसके बाद हम इसमें रेंज देंगे, रेंज। सो रेंज हमें क्या देनी है यहाँ पर, हमें क्या ढूंढना है, हमें इसमें यूनिक चीज ढूंढनी है। यूनिक चीज क्या रहेगी? हमारी स्टूडेंट आईडी। सो ये कहाँ पर है? हमारी सी में। सो हम यहाँ पर देंगे सी। ओके, एंड रो काउंट, रोज काउंट, सॉरी काउंट, डॉट एंड और एक्सेल अप डॉट रोज। इसके बाद हम फोर वाई वाई इक्वल टू हम टू कर देंगे, टू एक्स। ओके, सो हम यहां पर अब कंडीशन डालेंगे, इफ सीट्स, यहां पर हम सीट्स का नाम डालेंगे, डॉट सेल्स। अभी हम यहाँ पर y कॉमा, अब हम यहाँ देखेंगे, काउंट करेंगे कि हमें कौन सी कॉलम में ढूंढना है, वन टू थ्री। सो हम यहाँ पर थ्री ऐड कर देंगे और इसको हम बंद कर देंगे अभी, डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू। हमें अब इसको बोलना है कि इसकी वैल्यू जो सेल की वैल्यू है, ये जो हमारा ये जो बॉक्स है इसकी वैल्यू के बराबर अगर है तो। सो अभी हम वापस जाएंगे, पेस्ट कर देंगे डॉट वैल्यू, तो हम उसको बोलेंगे अगर इसके बराबर है तो अब तुम वहां पर वैल्यू कुछ दो। अब हम उल्टा करेंगे, जो हमने सबमिट करने के लिए किया था, अब हम उसको रिवर्स लाने के लिए हम थोड़ा सा उसमें उल्टा करेंगे। सो अभी हमारे पास ये सारी चीजें हैं ऑलरेडी, इन सबको हम कॉपी कर लेंगे और इनको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, सो अब हम बोलेंगे टेक्स्ट नेम की वैल्यू क्या देंगे, इसको बोलेंगे सीट्स, सीट का नाम डालेंगे, डॉट सेल्स, और अभी हमें यहाँ पर जो हमारा इस वाले नेम वाले हमारे इसमें क्या वैल्यू डालनी है, हमें सेकंड वैल्यू डालनी है। सो हम यहाँ पर दो डालेंगे और ये ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। सिमिलर हम इसको कॉपी कर लेंगे और ये सेम वैल्यू हम यहाँ पर करेंगे। अब हमें क्लास के लिए, क्लास हमारा कहाँ है, क्लास हमारा यहाँ है चार नंबर में, तो हम इसको चार नंबर डाल देंगे। सिमिलर हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब हमारा यहाँ पर फादर नेम कहाँ है, फादर नेम हमारा सिक्स्थ नंबर पे, सो हम यहाँ पर सिक्स नंबर डाल देंगे। इसके बाद हमारा स्कूल नेम कहाँ है, स्कूल नेम हमारा
सेवंथ नंबर पे है तो हम यहाँ पर सेवंथ नंबर डाल देंगे। अभी एड्रेस हमारा आई थिंक 8 रहेगा तो हम यहाँ पर 8 डाल देंगे। टेक्स सिटी के लिए 9th हो जाएगा। टेक्स कंट्री के लिए हमारा 10th हो जाएगा। पिन के लिए हमारा 11 हो जाएगा। फोन के लिए 12 हो जाएगा। ईमेल के लिए 13 हो जाएगा। सर्च को हमें इसको तो हम ऑलरेडी सर्च ही करेंगे, ठीक है। अभी हमारा बचा ऑप्शंस। ओके, सो ऑप्शन में हम क्या डालेंगे? सो ऑप्शन में डालने के लिए हम यहाँ पर कंडीशन डालेंगे इफ की। सो हम यहाँ पर बोलेंगे इफ, सो हम ये सेम चीज डालेंगे। ये फंक्शन यूज करेंगे और हमारा जो 5 नंबर है तो हम इसको यहाँ पर 5 बोलेंगे। ये दिस वैल्यू, उसके बाद ये 5 डाल दिया डॉट वैल्यू, 5 वैल्यू। अगर ये मेरी वैल्यू y के बराबर है, इसके बराबर है, तो हम यहाँ कंडीशन डालेंगे देन मी डॉट ऑप्शन वाई ट्रू। सिमिलर हम इसी को कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे सॉरी, इसको कॉपी कर लेंगे हम और यहाँ दूसरी कंडीशन डाल देंगे और यहाँ पर हम कल कर देंगे और यहाँ पर हम फिर चेंज कर देंगे। ये कुछ नहीं है, ये जो हमने यहाँ पर असाइन किए थे ये वही है, आप देख सकते हैं। सॉरी, ये हम ये देखिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी ये जो असाइन किए हैं ये वही है, उसी वही नाम हमने लिए हुए। सो अभी हम एक बार इसको देख लेंगे। यहाँ पर हम कोई सी भी एक आईडी डालते हैं, 2022AD003, और इसको सर्च। ओके, हमने इसको इफ हमें हमें इफ को एंड एंड करना पड़ेगा। एंड इफ और नेक्स्ट वाई, सो हमें इनको क्लोज करना पड़ेगा। अभी ये क्लोज हो गए हैं। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, इसमें हमने शायद कुछ गड़बड़ कर दिया। यहाँ पर हमने अरे एंड हमने यहाँ पर रेंज गलत लिखा था। हमें यहाँ पर इंश्योर करना है कि जब भी हम लिख रहे हैं वो सही हो, अदरवाइज वो नहीं लेगा। अभी आप देख सकते हैं वो सारी वैल्यूज यहाँ पर आ गई हैं। अभी मैं इसको रीसेट करके कुछ दूसरा डालता हूँ, जैसे 2022AD002, और अभी मैं इसको सर्च करूँगा तो देखिए उसकी वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। एक चीज मैंने और नहीं आपको बताई है, ये जो इसका भी आप इसमें फॉर्मेट में जाके फॉन्ट साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं, सो दैट इनका भी आप चेंज कर देंगे। ये अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, आप जैसा रखना चाहें इसको वैसा रख सकते हैं। जैसे मैं कर ही देता हूं, अभी सारे कर देते हैं, ये डिफरेंस देखेंगे। मैं इनको एक ही फॉर्मेट में कर देता हूं।
जो जो बचे हैं उनको कर देते हैं। बहुत बड़ा टास्क नहीं है। इससे क्या होंगे, फॉन्ट मैच हो जाएंगे। इसके भी हमने ऑलरेडी कर दिए हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इसके करना बाकी है, इसके कर देंगे, इसके नहीं किए अभी तक। इसे कर दिया है, इसका कर दिया, इसका कर दिया। सो भी एक बार फिर से सर्च करके देख लेते हैं, एक बार इसको हम फिर से चेक कर लेते हैं। सो भी मैं देखो यहाँ पर 2022 AD 004 और सर्च करता हूँ, तो ये देखिए उसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई है। और अभी यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मैंने इसको अपडेट का बटन नहीं इसमें ऐड किया है, सो अभी हम अपडेट का बटन और इसमें ऐड करेंगे, अपडेट का जो कमांड है उसको एक्टिव करेंगे। सो उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं करना है, इसके ऊपर जस्ट डबल क्लिक करना है और इसमें हमें सिंपल जो हमने ऑलरेडी जो वैल्यू दी हुई है हमें वही लेनी है। सो हमने जो लिया था डिम एक्स, हम यहां पर फिर से डिम फंक्शन यूज करेंगे एज अ लॉन्ग डिम वाई एज लॉन्ग, हम जो ऑलरेडी हम यूज करते हैं वही करेंगे और सिंपल हम नहीं तो उसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। हमने जो ये जो हमने ये हम इतने हम कॉपी कर लेंगे, सेम हम इसको कॉपी कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर फिर से हम जो हमने सबमिट के लिए डाला था, तो सबमिट के लिए हमने क्या डाला था, सबमिट के लिए हमने जो डाला था सेम वही लेंगे। ओके सो हम इसको कॉपी करके ले लेंगे नीचे यहाँ पर, हमने ले ली है। बस हमें अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो आई रो है ये थोड़ी सी हमें कमांड चेंज करनी है इसकी। सो आई रो की जगह हम क्या डालेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे सीड्स स्टूडेंट डेटा सेल्स वाई, हम इतना यहाँ पर डालेंगे क्योंकि हमारा तो फंक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी हमारा कॉमन रहेगा सब कुछ। सो हम यहाँ पर सिंपल वही करने वाले हैं, जस्ट चेंज कर देंगे। ये हमने चेंज कर दिया है और यहां पर अब हमें यहां पर भी चेंज कर देना है, सिर्फ इतना चेंज करना है और यहां पर हमें इतना चेंज कर देना है। सो हम यहां पर अभी हमने इसको हमें एंड इफ करना पड़ेगा, एंड इफ कर दिया हमने और इसके बाद एंड विथ हमको डिलीट नहीं करना था। अब हम एक बार अपडेट कर दिया तो हम उसके बाद इसको हम रीसेट करेंगे। सो हमने रीसेट की कमांड ऑलरेडी यूज यहाँ पर डाल रखी है, सो सिंपल हम उसको वही कॉपी कर लेंगे। हमने जैसे ही अपडेट कर देंगे तो उसके बाद हमको रीसेट भी करना है, सो हम रीसेट कर दिया हमने। इसके बाद हम इसमें एक मैसेज बॉक्स भी डाल देंगे, हम मैसेज बॉक्स ऑलरेडी हम ऊपर डाल चुके हैं, हम सेम वही ले लेंगे, हम वहाँ पर अलर्ट भी देंगे एक बार कि डेटा मॉडिफाई हो चुका है। सो हम ये अलर्ट दे देंगे यहाँ पर एक बार हम इसको
चेक कर लेते हैं। सो अभी हम एक बार सर्च कर लेते हैं, 2020 AD 003, सर्च आ गया है। अभी मैं यहाँ पर एड्रेस यहाँ पर डाल देता हूँ, न्यू, इसमें एड्रेस ऐड कर देता हूँ ऐसा, न्यू एड्रेस, और इसको थोड़ा सा एरर आ रहा है एंड विथ, ये हमें यहाँ पर एंड विथ हमारे डबल डबल हो गए हैं। सो एक एंड विथ निकाल देते हैं। सो ये डेटा हैज़ बीन मॉडिफाइड, अलर्ट दिया है उसने, एक बार देख लेते हैं डेटा हमारा यहाँ पर ऐड होना जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमारा डेटा ऐड हो गया है यहाँ पर, एक बार फिर से कर लेते हैं। हम यहाँ पर फिर से सर्च कर लेते हैं 2020 AD 001, सर्च करते हैं, ये आ गया है एड्रेस वन। अब हम यहाँ पर कुछ और चेंज करेंगे। सो अब हम यहाँ पर फादर नेम अमित कुमार डाल देते हैं, ओके, और इसको अपडेट करते हैं। सो ये देखिए डेटा चला गया है, यहाँ अलर्ट आ गया है। एक बार यहाँ देखते हैं कि हमारा डेटा चेंज हुआ है या नहीं। सो यहाँ पर अमित कुमार डेटा भी हमारा चेंज हो गया है। सो ओके, सो अभी आप देख सकते हैं हमने एक सबमिट, रिसेट, एग्जिट, सर्च, अपडेट, ये सारे कमांड एक्टिव कर दिए हैं। अब हम स्क्रीनशॉट को एक्टिव करेंगे। स्क्रीनशॉट एक्टिव करने के लिए इसका हम डबल क्लिक करेंगे, ओके। सो स्क्रीनशॉट में कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पर डालना है जो हमारा यूज़र फॉर्म, जो हमारा यूज़र फॉर्म का जो नाम है, हम सिंपल वो नाम डालेंगे। सो हमारा यूज़र फॉर्म का नाम यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर देखिए यूज़र फॉर्म वन। सो यहाँ डालेंगे यूज़र फॉर्म वन डॉट कॉपी, ओके। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे एप्लीकेशन, यहाँ पर हमें एप्लीकेशन डालना है। एप्लीकेशन डालने के बाद हम यहाँ डालेंगे सेंड की, सेंड की एप्लीकेशन डॉट सेंड की, सॉरी एप्लीकेशन सेंड कीज, ये आ गया है सेंड कीज, और इसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालेंगे। परसेंटेज एक ब्रैकेट ले लेंगे हम, ब्रैकेट में हम ये परसेंटेज वाला सिंबल डालेंगे, और हम यहाँ पर डालेंगे 1068, और ये ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे। इसके बाद हम ये ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इन्वर्टेड कॉमा को भी हम क्लोज कर देंगे, ओके। इसके बाद हम भी देखते हैं। सो ये स्क्रीनशॉट एक बार हम चेक कर लेंगे, इसने स्क्रीनशॉट लिया है या नहीं। जस्ट हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ये देखिए स्क्रीनशॉट उसने ले लिया है। सो अभी हमारे सिर्फ ये प्रिंट वाला फंक्शन पेंडिंग है। सो हम इस पर डबल क्लिक कर लेंगे और इस पर हम डालेंगे यूज़र फॉर्म, जैसे हमने लास्ट टाइम डाला था, यूज़र फॉर्म वन डॉट प्रिंट, प्रिंट फॉर्म, बस इतना ही करना है इसमें। सो जैसे ही आप इस पर करेंगे तो आपका प्रिंट चला जाएगा, देखिए प्रिंटिंग, ये प्रिंट चला गया है। सो ये मेरा यहाँ पर डिफॉल्ट प्रिंटर नहीं ऐड किया हुआ है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा एरर दिखा रहा है, ओके। सो ये ऑलमोस्ट अभी हो गया है। सो अभी हम एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। सो ये हमको एंड बोलना है क्योंकि मैंने इसमें प्रिंटर ऐड करने रखा है। अभी हम इसमें कुछ तो भी डेटा ऐड करेंगे, जैसे मेरा ही नाम ऐड करेंगे, स्कूल नेम, मैं कुछ भी नाम डाल देता हूँ स्कूल का, ओके। मैं यहाँ पर कुछ तो भी ऐसे डाल देता हूँ। इसके बाद क्लास के लिए मैं कुछ भी ले लेता हूँ, मोबाइल नंबर के लिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, मेल आईडी में भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, पिन कोड भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, और मैं यहाँ पर सबमिट करूँगा। देखिए यहाँ पर अलर्ट आया है, डेटा एडिट किया मैंने, एग्जिट करूंगा। अभी आप यहाँ देखेंगे सीरियल नंबर आ गया है, मेरा नाम यहाँ पर ऐड हो गया है। इसको हम अपने हिसाब से हम
फॉर्मेटिंग पहले ही कर सकते हैं। सो ये सॉरी, ये हम फॉर्मेटिंग हम इसको पहले ही करके रखेंगे, इससे ये सारी एंट्री करता जाएगा। देख सकते हैं इसने सीरियल नंबर यहाँ ऐड कर दिया है, इसके बाद उसने मेरा जो मैंने नाम दिया था वो दिया है, इसने स्टूडेंट आईडी जनरेट की है, और जो भी हमने उसको वैल्यू दी थी वो यहाँ पर दे रहा है। सो अभी हमें ये हमारा हो गया है, अभी हमें ये यूज़र फॉर्म को कहीं तो असाइन करें करना पड़ेगा, जहाँ से ये एक्टिवेट होगा, जहाँ से ये इंस्टॉलाइज होगा। सो हम चाहें तो इसी सेल में दे सकते हैं, किसी दूसरी सेल में दे सकते हैं, या किसी दूसरी फाइल में दे सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ दे सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ दे सकते हैं, हम जहाँ भी जाएँ। सो हमें सिंपल डेवलपर में जाना है और हमें इंसर्ट में जाके एक बटन को ले लेना है और हमें यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इसको रीनेम कर देना है जो भी हमें देना है। सो हम यहाँ तक देते हैं स्टूडेंट, मैं यहाँ सिंपल स्टूडेंट एंट्री लिख देता हूँ। अभी आप इसको जहाँ इसको लेके जाना है आप वहाँ लेके जाइए, ये नहीं, आप किसी दूसरी फाइल में भी लेके जा सकते हैं, दूसरी सीट में लेके जा सकते हैं, या फिर इसी सीट में भी रख सकते हैं, आप जैसा चाहें। सो मैं एज ऑफ नाउ इसको इसी सीट में रख रहा हूँ, ये कोने में। ओके, वापस से मैं सीट में जाऊँगा, सीट में जाने के बाद मैं अभी इसको असाइन करने वाला हूँ, असाइन माइक्रोस में जाऊँगा और न्यू माइक्रोस बोलूँगा। सो मैं अभी न्यू माइक्रोस में यहाँ पर जो मेरा यूज़र फॉर्म है वो यूज़र फॉर्म डालूँगा, यूज़र फॉर्म 1.so, इतना ही डालना है और इसको बंद कर देना है, इन सबको बंद कर देना है। अभी आप इस पर जाएंगे तो ये देखिए यूज़र फॉर्म यहाँ पर आ गया है। अभी आप यहाँ पर एंट्री करेंगे, जो भी एंट्री कर देंगे, यहाँ पर आप तो भी, अब जस्ट मैं इसे रैंडम ले रहा हूँ जल्दी करने के लिए। ये देखिए ये डेटा ऐड हो गया है, सारा डेटा ऐड हुआ है, आईडी जनरेट हुआ है, सिंपल आप सर्च भी कर सकते हैं 2020 AD 006, सर्च करेंगे, ये देखिए आ गया है। इसमें फाइव की जगह गर्ल्स कर देता हूँ, अपडेट करता हूँ, ये देखिए डेटा मॉडिफाई हो गया है, ये गर्ल हो गया है। सिंपल यहाँ पर जैसे आपने कुछ लिखा है और इसको रीसेट करना है तो आप इसको रीसेट करके क्लियर कर सकते हैं। ये प्रिंट फंक्शंस ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिए कि कैसे काम कर रही है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 2022 AD 005, सर्च स्क्रीनशॉट ले लिया, जाके देखेंगे यहाँ के स्क्रीन शॉट पिट्स कर दिया, देखिए। सो ये अभी परफेक्टली काम कर रही है। थैंक यू।